गाइस मुझे दो लाइन दिख गई है एंड देवेश को सरप्राइज देते हैं। देवेश एक बात सुनो ना मेरी प्लीज। सुनो तो सही, फोन से तो हटो। क्या है यार, सुनोगे अच्छे से प्यार से? सुनो रिकॉर्ड क्या कर रही हो यार? अब वो कुछ है तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ है। आपको आपके जीवन का सबसे बेस्ट सरप्राइज आज तक क्या मिला है? आपके बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है कि मतलब आप बहुत हैप्पी हो गए उस दिन? बेस्ट गिफ्ट और सरप्राइज तो भगवान का दिया हुआ पृथ्वी है, और क्या है? पृथ्वी है। और मैंने कौन सा सरप्राइज दिया है आपको आज अभी तक? हाल ही में एनिवर्सरी में तुमने दिया वो तो सब मटेरियलिस्टिक था। चीजें हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। नहीं क्यों? अच्छा मैं आपको हाथ दूंगी, आप मेरा हाथ टर्न करके, ये मैंने हाथ दिया आपको, हाथ टर्न करके देखो क्या है। क्या है, खोलो। ओपन करो। व्हाट? ये हम फिर से पापा मम्मी बनने वाले हैं। पृथ्वी बड़ा भाई बनने वाला है। ये तो गजब है यार। सो गाइज अभी मैं जाके आई हूँ मैम के पास, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी मेरी, अभी मेरा थर्ड मंथ लग चुका है। तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि मुझे एक महीना और अच्छे से रेस्ट करना चाहिए जब तक एंटी स्कैन नहीं होता। उसमें पता चल जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ग्रोथ कैसी है, एवरीथिंग उसमें अच्छे से शोन हो जाएगा और मेरे 3 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैडम ने किसी को भी बताने से मना किया था, बट अभी सितंबर चल रहा है और अक्टूबर में हम लोगों का प्लान था पहले से ही, ये प्रेगनेंसी के पहले से ही प्लान था कि हम लोग ने टिकट भी बुक कर लिया था। हम लोग जोधपुर जा रहे थे बिकॉज जोधपुर में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है, तो इस बार हम लोग ने सोचा कि उनको सरप्राइज विजिट तो नहीं, मतलब जाने का प्लान था हम लोगों का, तो बट अब हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ, मुझे तो एक महीने का रेस्ट ही बोला है तो क्या करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं दीदी को बता देती हूँ, बिकॉज उन लोगों के भी अगर कोई प्लान हो अक्टूबर में तो वो प्लान कर सकते हैं, नहीं तो हमारे कारण उन लोग भी टिकट्स वगैरह नहीं करवाएं अगर कहीं घूमने वगैरह के प्लान हो उनके। तो आज मैं एक अलग वे में उनको बताने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट पृथ्वी के टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी बिकॉज उस टाइम भी मेरा जो सिचुएशन था ऐसी था और मैं अकेले भी थी और थोड़ा डर डर के भी, उस टाइम तो पूरा रेस्ट ही मैं टोटली रेस्ट मैंने किया था उस टाइम भी, अभी भी रेस्ट बोला है बट हल्का फुल्का मैं ऐसे कर रही हूँ। बट अब मुझे बोला है डॉक्टर ने कि अब मतलब घर पे भी ज़्यादा नहीं चलना है, थोड़ा रेस्ट ही करना है, तो बस यही है। तो अभी आपको दिखाते हैं और दी का क्या रिएक्शन होता है वो हम नोट करेंगे। तो अभी तो मैं वीडियो कॉल ही करूँगी जाके, ऐसे सामने तो दीदी नहीं आ सकती बिकॉज वो जोधपुर में हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। तो मैं अपनी ननन का रिएक्शन नोट करूँगी और आप लोग देखना उनका रिएक्शन। सो यहाँ पे दीदी को वीडियो कॉल कर लिया गया है। दीदी एक जगह बैठ जाओ ना, 2 मिनट। बैठ नहीं सकती, वॉक कर रही है, है ना? मैं बस अरे पहुंच ही रही हूँ, बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं। क्या हो क्या रहा पहले ये बता। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सरप्राइज है। कुछ क्या बेबी बोल। ओ माय गॉड, आने वाले बुआ को बताओ क्यों, क्या चाहिए था आपको? कॉल आने वाला है, क्या चाहिए था बताओ? क्या भाई चाहिए थी, बहन चाहिए थी, बुआ पूछ रही है क्या चाहिए आपको? एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। बहन चाहिए, प्यारी सी बहन चाहिए। दीदी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। देखो दीदी को भी हमने बता दिया है, वीडियो कॉल से ही बता सकेंगे अब, दीदी तो अब यहाँ आ नहीं सकती बट अब दीदी जल्दी आएगी हमसे मिलने के लिए, हमारा टेक केयर करने के लिए। दीदी का रिएक्शन तो आपने देखा, दीदी बहुत एक्साइटेड है। और अब मैं कॉल करती हूँ अपनी बहन को, सिस्टर को। अभी हम लोग में जैनों में जो तपस्या चलती है उनके अभी उपास चल रहे हैं, बट देखते हैं अगर कॉल उठा लेते हैं वीडियो कॉल तो उनका जो है रिएक्शन नोट करते हैं। कुछ दिख रहा है क्या, पूछो ना। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। आपके कैसा हाल चाल है मानसी? ठीक है, देखो बात। तो अब मासी का रिएक्शन जान लेते हैं, मासी की अभी सुखसाता नहीं है। कब पता चला, कब क्या कैसे? चलो दीदी को पता लग गया है, दीदी हैप्पी हैप्पी को एकदम खुश हूँ, तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
हाय गाइस, तो ये था रिएक्शन वीडियो। बट आप बोलेंगे कि रिएक्शन वीडियो तो इनकम्प्लीट है बिकॉज मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ का तो रिएक्शन मैंने लिया ही नहीं। सो क्या हुआ था कि मेरी जो साइकिल है ना वो अर्ली आती है, तो मेरी मदर इन लॉ को तो समझ में आ गया था, तो उनको तो पता लग गया था, तो मैंने रिएक्शन उस टाइम ले नहीं पाई। एंड मेरी जो मदर है ना, उनको जिस दिन मुझे पता लगा, कन्फर्म हुआ, तो मैंने कुछ कारण से फ़ोन लगाया था, तो उस टाइम बात हुई, उनको पता लगा, लेकिन मैंने ना बात करी और रिएक्शन नोट नहीं कर पाए। मेरा ब्रदर भी बहुत हैप्पी है, और जो मेरी सिस्टर जिनका मैंने यहाँ वीडियो लिया था, क्या हुआ था कि उनका ना मास खमन चल रहा है, हमारे जैनों में तपस्या होती है, आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा, तो उनका आवाज़ थोड़ा स्लो आ रहा था, बट वो बहुत एक्साइटेड थी और हैं। एंड क्या हुआ था कि मैं उनके भी फंक्शन में नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए भी मैंने उनको भी बता दिया था। एंड मेरी बाद में जब मैंने ये फाइनल पोस्ट डाला जो इंस्टाग्राम में डाला, तो उससे क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबको पता लगा, सबके मैसेजेस आए, सबने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया। एंड गाइस, पृथ्वी भी बहुत एक्साइटेड है। उस टाइम क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसका वीडियो कॉल में किसी से भी बात करता है ना, थोड़ा शाई टाइप्स हो जाता है, बाकी वो बहुत एक्साइटेड है। उसको ही शुरू से जब वो किसी के ब्रदर सिस्टर को देखता था ना, तो उसको चाहिए था कि मेरे साथ कोई खेलने वाला हो, मेरा भी ब्रदर हो। हालांकि हम लोग को सबको एक स्वीट सी गर्ल चाहिए। अब पता नहीं क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी वेरी मतलब वेरी हैप्पी। सो ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था जितना भी हो सका, ताकि मेरी मेमोरी के लिए, और आगे जाके जब ये बच्चा बड़ा हो तो वो भी देखे और वो भी हैप्पी फील करे, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। बाकी अपने देवेश का रिएक्शन तो देखा ही है, एंड एवरीबडी इज सो हैप्पी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं डालने वाली हूँ, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। बाय बाय गाइज़।